राखी क्या कहना चाहेंगी देखने के लिए? प्रभास और कृति सेनन की आदि पुरुष। ओ माय गॉड, तो उसमें राम सीता रावण ये जो रोल है, अरे कृति तो इतनी ब्यूटीफुल, मेरी अच्छी दोस्त है, सीता का रोल किया हुआ है, मेरी परम 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 सुंदरी, तो सीता का रोल करना बहुत गर्व की बात है। यू नो, एक बार सीता का रोल कर लिया, फिर अगर आप ग्लैमरस रोल करने जाओ तो फिर देश में तहलका मच जाता है। तो लोग इसे जरूर सराहेंगे, लोग इसे जरूर देखेंगे। सैफ अली खान क्या आप ले करे रावण? ओ माय गॉड, पहली बार जिंदगी में सैफ अली खान ने सही रोल चुना है, मतलब वो रोल रावण का सिलेक्ट किया, रावण। सैफ, दिस इज परफेक्ट रोल फॉर यू। वैसे तुम्हारी बेटी मेरी फ्रेंड है, अमेजिंग, देखा ना अभी आईफा में क्या मस्त ये किया। मैं चाहती हूँ सैफ, अगले साल आईफा में आप ये रावण का एक्ट जरूर करें, बिकॉज ये कैरेक्टर आपके लिए लिखा गया है, एंड यू लुक लाइक ऑल्सो पूरा एकदम रावण और अमेजिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सैफ अली खान को रावण के रोल में देखने के लिए। प्रभास तो राम लगता ही है सीधा साधा, बहुत ही, और कीर्ति हाँ सीता माता तो लगती है। द्रौपदी कौन है? मैं तो नहीं हूँ जो मेरी साड़ी कोई निकालते ही जाएगा साड़ी निकालते ही जाएगा। दोस्त मत निकाल मेरी साड़ी, वरना आ जाएगा मेरा कृष्ण मुझे बचाने। थैंक यू। हाँ कौन है, कौन आएगा बचाएगा मुझे? कमी नहीं है मुझे बचाने वालों की। तुम्हें क्या लगता है ये परफ्यूम में क्यों लेके घूम रही हूँ? जहां जाती परफ्यूम मार देती हूँ, सारे लड़के मेरे दीवाने हो जाते हैं। कमी नहीं है मुझे, तुम लोगों को कमी होगी, मुझे कमी बिल्कुल नहीं है। एक मिनट अभी मैं चुप ले जाऊँ, सारे लड़के पीछे पड़ जाएंगे। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है और नवाजुद्दीन की वाइफ आलिया जा रही है। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हर, आई एम गिविंग हर लॉट्स ऑफ पावर। मेरी फ्रेंड तिखीपुरी जा रही है, नाम नहीं बताऊंगी। तिखीपुरी, तिखीपुरी समझ जाओ कौन है, कौन है हमें पता है, आकांक्षा पुरी तिखीपुरी जा रही है। सो गाइज, मैं सबको कहूंगी कि इस बार ओटीटी में सलमान खान यू नो वो होस्ट करने वाले, फर्स्ट टाइम। आई फील वेरी प्राउड कि ओटीटी को मैंने लॉन्च किया था वो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के, एंड आज मेरा भाई सलमान खान होस्ट कर रहा है। पहले करण जौहर ने किया था, लेकिन अब सलमान खान कर रहे हैं, मजा आएगा। अब कलर से जियो पर चला गया है ओटीटी। ओ जियो पे गया है, फिर मरो फिर तो हार्डकोर होगा। हाँ फिर तो मेरी एंट्री होगी, हूम धड़ाम धड़ाम जियो पे। तो फिर जो वैसे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। लास्ट मेरी मॉम को आपको पता है ना, परिमल फैमिली और अंबानी परिवार ने मेरी मॉम के हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाया था कैंसर का, सलमान भाई ने, और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो बहुत अच्छा, बस उनके घर में नहीं गई जब उन्होंने वो लॉन्च किया था, क्या था कुछ तो लॉन्च किया था, कल्चर नीता अंबानी कल्चर, तो मैं दुबई में थी, वरना सिर्फ मैं ही मैं दिखती। आपको तो पता है मैं जहाँ जाती मैं ही दिखती हूँ, आप तो जानते ही। तो इस बार ओटीटी जरूर देखना जियो पे, अगर मैं पहुंची तो मैं तो बैंड बजा दूंगी, बैंड ऐसी बैंड बजा के रख दूंगी। अगर मैं पहुंची तो सोचो क्या होगा। दुबई में रहेंगी तो कैसे पहुंचेंगी? ढाई घंटे का रास्ता है, ढाई घंटे का रास्ता है डायरेक्ट दुबई से। एक दो दिन लगता है शॉपिंग को, ऐसे भी लोग मुझे टाइम नहीं देते। तो देखो हर साल बिग बॉस तो होता है, कभी मराठी कभी मेन बिग बॉस, और लास्ट टाइम ओटीटी भी, मतलब बिग बॉस है जहाँ राखी सावंत है वहाँ, तो बिग बॉस तो मेरे हस्बैंड है तो वो अपनी बीवी को थोड़ी ना, नई नई छोरी आएगी तो अपनी बीवी को थोड़ी छोड़ देंगे।
तभी मैं सोचती हूँ कि मेरा रिश्ता बाहर दिखता क्यों नहीं है। बिग बॉस जाके सब मेरे रिश्ते तोड़वा देते हैं। चलिए मैं अब जिम कर लूँ। डैड